दोस्तों हैरानी तब होती है जब बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं अचानक से धाम में प्रकट हो जाते हैं। सभी बागेश्वर धाम की जय जयकार करने लगते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देख मानो भक्तों में उत्साह चार गुना हो गया हो। बागेश्वर धाम सरकार की बस एक झलक पाने के लिए जैसे होड़ सी लग गई हो। अचानक से प्रकट हुए बागेश्वर धाम सरकार सभी भक्तों को देख उनका अभिवादन करने लगते हैं। हमने भी पहली बार बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन किए। बहुत तेज है उनके मुखमंडल में। शास्त्री जी को देख अलग से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है और बार बार बागेश्वर धाम सरकार को देखने का मन करता है। आंखें हैं कि उनके मुखमंडल से हटती ही नहीं। आप भी देख लीजिए कि भक्तों का उत्साह बागेश्वर धाम सरकार के प्रति कैसा है। कोई भक्त बागेश्वर धाम सरकार को एक राखी देता है जिसे बागेश्वर धाम सरकार बड़ी ही प्रसन्नता से अपने हाथों में धारण करते हैं। यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार किसी भक्त की परेशानी को जान तुरंत ही कागज पर कुछ लिखने लगते हैं और बार बार उसे कुछ पूछ रहे होते हैं, फिर कागज पर कुछ लिखने लगते हैं, फिर बाद में उस भक्त को पर्चे में लिखा हुआ पढ़ाते हैं। चलिए हम आपको ये भी दिखाते हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार भक्तों द्वारा लाए गए मिठाई, श्रृंगार के सामान, कपड़े बड़े ही श्रद्धा से लेने लगते हैं और अपने सहकर्मी को इन सब सामान को भगवान के चरणों में अर्पित करने को कहते हैं। चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार सभी माताओं, बहनों, सभी भक्तों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। सभी बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहे होते हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे होते हैं। हजारों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम सरकार की बस एक फ़ोटो लेने के लिए बड़े ही आतुर नज़र आते हैं और बागेश्वर धाम सरकार की सहजता देखिए कि वो सभी भक्तों को मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर बार बार भक्तों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन करते हैं। यही बागेश्वर धाम सरकार की महानता है। भक्तों का गुरुजी के प्रति और गुरुजी का भक्तों के प्रति असीम प्रेम यहाँ देखा जा सकता है। अब बागेश्वर धाम सरकार सभी भक्तों को दरबार हॉल में जाने को कहते हैं। आज बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम में ही दरबार लगाने वाले हैं और बागेश्वर धाम इतना कहकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में बागेश्वर धाम सरकार की कार मंदिर के सामने लग जाती है। अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम में ही दरबार लगाएंगे। अब भक्तों में उत्साह इतना बढ़ जाता है कि सभी भक्त बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर से बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं और बार बार बागेश्वर धाम की जय जयकार के नारे लगा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में बागेश्वर धाम सरकार मंदिर गृह से बाहर आते हैं। सभी भक्त उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार हाथों में बहुत सारे भभूति के पैकेट रखे होते हैं जो सभी भक्तों में बांट रहे होते हैं।
बागेश्वर धाम सरकार जो कि भक्तों से घिरे हैं अब गाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है लेकिन बागेश्वर धाम सरकार भक्तों को बराबर आशीर्वाद दे रहे होते हैं। एक भक्त से तो इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे अपना हार ही पहना देते हैं। आज बागेश्वर धाम सरकार को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार आज जैसे बेहद ही खुश हैं। आज जो चाहो वो मांग लो, ऐसा लग रहा है कि आज सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होने वाली है। बागेश्वर धाम सरकार अब गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठते ही भक्तों में अफरा तफरी मच जाती है। भक्त बागेश्वर धाम सरकार को देखने में इतना मस्त रहते हैं कि उनकी कार को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तुरंत ही बागेश्वर धाम सरकार को दरबार लगाना है परंतु भक्त उनकी गाड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये भक्तों का अपने गुरु के प्रति प्यार है जिसे बागेश्वर धाम सरकार भली भांति जानते हैं, इसलिए वे कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते हैं। शास्त्री जी कार में बैठकर सभी भक्तों को दरबार में आने का निवेदन कर रहे होते हैं। ये है बागेश्वर धाम सरकार का दरबार स्थल। यहीं पर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार लगाएंगे। हजारों की तादाद में भक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शास्त्री जी तो अचानक ही बागेश्वर धाम में आ गए थे। लोगों को तो पता ही नहीं था कि गुरु जी बागेश्वर धाम में हैं और दरबार लगाने वाले हैं। नहीं तो भक्तों की संख्या जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है इससे 4 से 5 गुना हो जाती। भक्त बड़े ही श्रद्धापूर्वक मन में ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हुए गुरु जी का इंतजार कर रहे होते हैं और मन ही मन बजरंग बली से, सन्यासी बाबा से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आज उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए और स्वयं बागेश्वर धाम सरकार उनकी पर्ची बनाए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः लिखना ना भूलें। तो थोड़ी ही देर में बागेश्वर धाम सरकार अपनी गद्दी पर आते हैं। लोगों में एक लहर सी दौड़ जाती है। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे होते हैं। इसी ऊंचे स्टेज पर बागेश्वर धाम सरकार विराजमान होते हैं। गुरुजी के स्टेज पर आते ही लोग दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम के नारे लगाते हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। बार बार गुरुजी सभी भक्तों को बैठ जाने की अपील कर रहे होते हैं लेकिन गुरुजी को देखने, गुरुजी के दर्शन करने हेतु सभी लोग, सभी भक्त धक्का मुक्की करने लगते हैं। स्टेज के सामने भक्त भारी भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो अब गुरुजी का दरबार चालू होता है। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि गुरुजी अपना दरबार कैसे शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखिएगा। श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्यम।
तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों यदि आप लोग कोई सहायता राशि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप सहायता राशि भेज सकते हैं।